नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम्प्लॉयर्स खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 पे कमीशन से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में। दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें हमारे चैनल पर कर्मचारी से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। सैलरी में इजाफे का मोदी सरकार कर रही इंतजाम पर केंद्रीय कर्मचारी की एक गलती से फंस सकता है पेज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मोदी सरकार पर कर्मचारी की जो सैलरी बढ़ाने पर चर्चाएं विचार कर रही हैं तो पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बजट से पहले इजाफा हो सकता है। सरकार महंगाई भत्ते और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है। इन दोनों पर मोदी सरकार की मुहर लगते ही कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो जाएगा। कर्मचारियों को अगर यह फायदा चाहिए तो उन्हें संयम बरतना होगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को पूरा करने के लिए वह लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बजट से पहले कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में, लेकिन ऐसा करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार कर्मचारियों की संभावित डीए बढ़ोतरी को रोक सकती है। यही नहीं, न्यूनतम वेतन पर बढ़ोतरी के फैसले को भी लंबा खींच सकती है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों को बम्पर तोहफा दे सकती है। तो कहा जा रहा है कि डीए में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। डीए में इतनी बढ़ोतरी के बाद यह 17% से बढ़कर 21% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी का मतलब यह है कि कर्मचारियों की सैलरी में न्यूनतम 720 रुपये से 10,000 रुपये तक का इजाफा होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बजट 2020 से पहले जो कर्मचारियों को सरकार तोहफा दे सकती है इसके लिए उन्हें संयम बरतना होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।